चारू भी इसी जगह खाई ना चारू। अरे खा के भी बैठे हैं। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी दोपहर का 3 बज रहा है और फिर हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। वो इसलिए स्टार्ट किए हैं ना क्योंकि आज चारू के बारे में बोल रहे थे आप सब कि कपड़ा आज इसको अच्छे से तैयार कर दिए हैं। और चारू जी का आज बहुत ही बुरा खबर है, इसका बहुत बुरा हाल है। क्यों ना, वो देखिए भाग भाग इसीलिए बोल रही है। इसका मम्मी आज छोड़ के बाजार चली गई है, तो आ ही जाएगी थोड़ी देर में। तो वहाँ पे ले जाने के बाद में भी दिक्कत होगा ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह है और गर्मी हम लोग तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उठी ये तो हमेशा खोजती है मम्मी को, तभी खाना दे दिए इसको। यहाँ साग भात है, खा रही है अच्छा से। देखें भाग भाग बोल रही है, मतलब शर्म इसको आ रहा है अब कि मत दिखाइए। इतना समझ हो रहा है कि कैमरा मत दिखाई मेरा तरफ, ऐसा ना चारू नहीं ब्लॉग बनाएगी, सब तुमको देखते हैं। तो पानी दे दिए हैं, भात दे दिए हैं, उसको जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं। बिस्कुट वगैरह दे रहे हैं तो उसको भी नहीं। ऐसे दुकान हम लोग गाँव में काफ़ी दिक्कत से मिलता है, दूर बंद रहता है हमेशा, सारे लोग काम की वजह से यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो अभी देखो खा ली खाना, अब उसी में धोगी। सब खाना खा गई? हाँ खा गई। पियो पानी पी लो, काफ़ी गर्मी छोड़ के चले गए हैं। तो वहाँ लेगना भी सही नहीं होता क्योंकि भीड़ भाड़ में मार्केट में और ज़्यादा दिक्कत होता। पी ले रही है पानी, परेशान कर रही है। लेकिन आप सभी को ना एक खास बात बताते हैं, हम लोग इटे भट्टे से आए हैं तो इसको अकॉर्डिंग हम एक बात बताते हैं आप सभी को। जो एक दिन आप सभी को इधर हम दिखाए थे कि इधर लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो अभी ब्लॉक बन रहा है ना, इसको ब्लॉक बोल सकते हैं हम लोग या ईंट बोल सकते हैं। इस प्रकार से बनाया गया है, देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे ईंटा, इतना लंबा लंबा ईंटा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। वो इस तरह से अच्छा है ना, जैसे हम लोग ईंटा बनाएंगे एक बार जेसीबी से मिट्टी चाहिए और उसके लिए पानी का साधन चाहिए, बहुत सारा प्रक्रिया करना होगा। पानी आया तो ईंटा गल जाता है, फिर कोयला चाहिए वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये डस्ट लाइए और एक महीन वाला गिट्टी, उसके बादों में सीमेंट खरीद लीजिए अपना जितना इस पर लग जाए वो हिसाब से, और एक ही बार में डायरेक्ट आपका इस तरह से बन जाता है। शाम का या दोपहर का टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए, और गर्मी के दिन में आजकल है ना तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो बस यही दिखाना चाहते थे, और कमेंट कीजिएगा तो बनाते हुए भी दिखा देंगे। काफ़ी प्यारा दिखता है ईंटा, और इस ईंटा से घर भी काफ़ी जल्द बन जाएगा क्योंकि हाइट है ये, कितना बाई कितना है वो तो बता नहीं सकते लेकिन 12-16 लगभग होगा इतना लंबा। तो काफ़ी अच्छा है इस तरह के बनाने के लिए। जो गांव भिले से लोग देखते हैं इस तरह अपना कम बजट में अपना पैसा लगा के घर बना सकते हैं ईंट बना के, ज़्यादा नहीं लगता है इसमें हम पूछे नहीं है लेकिन अंदाज से बता रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अचारू आसानी से बन जाता है ये, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और फुल डिटेल जानने के लिए तो हम जो बना रहे हैं ऐसा उन्हीं से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। कि ओनली 2 ड्राम इस पर पानी कहीं से भी ला के रख लेते हैं और बस मसाले बनाते हैं और बना लेते हैं। फिर ज़्यादा परेशान करने लगी तो जिधर से ये रास्ता है ना, इधर से ही ऑटो आता है, इसके मम्मी इधर से आएगी यानी कि सोना जी, तो इधर ही चलिए बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे बोल रही है। इधर ही ले लाए हैं, हम लोग का प्यारा गांव इस प्रकार दिखता है, कुछ जंगल बहुत दूर पे है और चारों बेटी के यहाँ बैठा दिए हैं। नहीं गिरती है तुम ना बेटा? हाँ खेलो अच्छा से, नहीं रो बस थोड़ी देरी में आ ही जाएंगे। गाड़ी जैसे ही निकलेगा ना, गाँव में हम लोग का लगातार गाड़ी नहीं चलता है, ऑटो वगैरह थोड़ा बहुत चलता है बस जो हफ्ते का दिन में, आज फ्राइडे है तो बस आज का ही दिन में चलता है। ये काफ़ी बड़ा बसार का पेड़ है ना, इसका छाया काफ़ी सुंदर है। और घर तो हम लोग का इधर है, ये साइड जाते हैं तो हम लोग का घर मिलता है, बाकी बस झूठ झाड़ सब कुछ है। तो चारू बस खिला रहे हैं, किसी तरह से ठक रहे हैं, बस इतने ही काफ़ी है, नहीं तंग करती है, अभी समझा दिए हैं ना बेटा तुमको, खेलो करो ना। इधर से आएगी मम्मी नगडू, इधर से ना। इधर चारू को ठके अच्छे से और खेल भी रही थी, ऐसे खाना वाना खाती है तो ज़्यादा तंग नहीं करती है। तो फाइनली चारू की मम्मी आ चुकी है, ये देखिए झोला में सामान लेके, यहाँ बोरा और झाड़ू क्या क्या लाई है। और चारू बस मिठाई टांग उधर चल गई, लेका मिठाई रे इधर रे, इधर लेका क्या है, लेका जल्दी आओ। तो चारू मिठाई लेकर आ गई है, देखिए नमकीन और सेवई, चलो खोलो इधर इसको तीरो, रुको बता देंगे मड़ा, तुम नहीं जानती है इसको तीरेगी ना खुल जाएगा, देखा खोलो ढीला करो, हाँ खोलो खोलो, हाँ ऐसे तीरो, इधर तीरो ऐसे ऐसे तीरो, खोलो ऐसे खोलो, ऐसे तिरते हैं पगली, दिखा खुल गया तुम्हारा मिठाई। हा, बहुत खुश ना,
हम लोग को नहीं देगी? हम लोग को नहीं देगी? नहीं, ये मिठाई ला दी है। और कुछ कुछ होगा सामान झोले में। हम लोग का सारा खाना भी बन गया है रात का अचार। मम्मी भी आ गई आने के बाद में, काफी ज्यादा जो भी काम था अपना करती ही है, कहने का जरूरत नहीं। और चारों बेटी अभी खेल रही है, काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है। बाबू हम लोग के यहाँ बैठा हुआ है, मम्मी यहाँ है, और पानी हम लोग का भी मिला है खाना खाने के लिए। नहीं खाएगा तुम? हाँ? नहीं खाएगा? नहीं, वो बोल रहा है नहीं खाएंगे। तुम खाएगी कि नहीं? तुम अभी हम लोग का किचन में इस तरह से करके पड़ा हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, अभी खाएंगे। ऐसे चार मम्मी नहीं खाने खोज रही हो? कौन? मंगरू रहा नहीं खबर, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा थोड़ा। तो जो भी बना है अभी निकालते हैं, उसके बाद में सभी को दिखाएंगे, आप सभी को क्या क्या बना है हम लोगों का। अभी जैसे ही उठे हम लोग का अब काम चालू, काम का वगैरह हम कुछ नहीं दिखाते इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जो होता है उसी को दिखाते हैं। अभी देखिए हम लोग चारू मम्मी वहाँ और बैल पकड़ के खुटिए, फिर भागेगा तो फिर तो अभी जा रहे हैं उधर भी हम लोग जंगल तरफ भी। उस दिन दिखाए थे आप लोग को ब्लॉग में कि वह देखने गए, उधर भी जाना है और बैल को भी बांध रखना है और फिर जाना है, तो चारू के साथ में लेते जाएंगे। उधर ही अभी रहेंगे हम लोग 10-11-12 बजे तक, काफ़ी टाइम तक उधर ही रहना होता है ना। चारू चारू भी जा रही है, तभी हम लोग फिलहाल बैल को अच्छे से बांध रखेंगे क्योंकि मम्मी अभी खाना बना रही है, और काफ़ी दूर जाना पड़ता है ना वो वाला पहाड़ में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसे देखिए परसा का फूल लाल लाल दिख रहा है। अभी पहुंच गए महुआ के पेड़ तरफ, उस दिन दिखाया था आप सभी को, लेकिन गांव का मस्ती ही कुछ अलग होता है। देखिए सारे लोग डाली में बैठ के इस तरह से, साथ में चारू भी बैठ ली है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, 2 फीट जमीन से उठता है बस, और इस डाली को पूरा हिला हिला के महुआ के पेड़ को भी हिला दे रहे हैं। उस दिन ये लोग भी थे, एक वहाँ पे चढ़ा हुआ है, खड़ा है चारू, यहाँ है, मजा आ रहा है पूरा। देखने कैसा, बस यही सब मस्ती होता है गांव में, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हर सीजन का मजा आता है। रोपार अपने टाइम उस टाइम मजा आएगा, महुआ के टाइम में महुआ के टाइम में मजा आएगा, हर टाइम। कैसे बैठिए बिंदास, गाना गाओ गाना गाओ। दूसरा पेड़ तरफ देखने गई है और चारू अपने कामों में लग गई है। इस प्रकार इसको हम लोग गलती किए, चप्पल बस पहना के नहीं लाए, एक टोकरी दे दिए हैं दीदी लोग, इनका नई है टोकरी। आप इधर है, इधर देखो इरे, इधर में ज्यादा है, इधर काफी अच्छे से बिछ रही है मगवा, देखिए यहाँ पे जमा कर दी, इतना कर दी इधर, ये देखो ये सबको बिछो, सबको बिछो, हाँ छपको, एक बोलो, गिनती बोलना, दो बोलो, हाँ ले कर जल्दी जल्दी यहाँ डालो, तीन बोलो, तीन बोलो, हाँ वही है, तीन बोलो। कोने को देखो, हाँ जाओ चार बोलो, हाँ ले का ले का, ओ माय गॉड, इधर 4-5 इधर है, ले का, जल्दी जल्दी ले का, हाँ चलो रखो यहाँ। हर साल तो इस पेड़ के नीचे सोई रहती थी पूरा बिंदास, और महुआ बीच रही है, एक एक साल में पल निकलती ही जाता है, क्या किए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। महुआ साफ कर रही है लेस लेस के, इसी तरह से करते हैं हम लोग। देखिए चार मम्मी अभी कर रही है और हम लोग भी किए, पूरा झोड़ रहता है ना उधर में, पूरा झाड़ी है इस पेड़ का, इस तरह से डाली है पूरा गिरेगा। चारू तुम दूर रहना है, आग से इधर जाओ, यहाँ इधर खेलो, इधर ये पेड़ में जा जा, इधर खेलो, इधर कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा कचरा रहता है, फिर गिरेगा तो दिखेगा नहीं, छोटा छोटा गिरता है, इस तरह से सफाई करेंगे अच्छा रहेगा इस समय। हम लोग का फाइनली 10 बज गया और हम लोग का खाना आया था खा लिए, लेकिन ना हम लोग नहीं बनाए। देखिए वहाँ पे कितना सारा भीड़ है, इतना ज़्यादा हल्ला, इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे कि ब्लॉग बनाने के नाम से तो कोई उपाय ही नहीं था, तो खा लिए हम लोग। तो चलिए आज का ब्लॉग हम इतने ही रखते हैं, अभी महुआ बिछेंगे फिर घर चले जाएंगे, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो महुआ भी रखे हैं, चारू भी इसी जगह खाई ना चारू, अरे खा के भी बैठे हैं।